हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। काफी स्टूडेंट्स की क्वेरी ये रहती है कि अभी जैसे साल का स्टार्ट है, अभी ऑलमोस्ट एक ईयर है यूपीएससी के प्रिपरेशन में, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को मंथ वाइज स्टीयर करना है, एज इन इस मंथ क्या पढ़े, जुलाई में क्या पढ़े, अगस्त में क्या पढ़े, ब्रॉडली अगर देखा जाए तो दिसंबर तक क्या पढ़े, दिसंबर से आगे क्या पढ़े। मोस्टली दिसंबर के बाद तो बच्चे क्लियर होते हैं, क्योंकि दिसंबर के बाद ज्यादा समय रह नहीं जाता, 3 से 4 महीने रह जाते हैं, और उसमें स्टूडेंट कोशिश करते हैं सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस दिया जाए। आगे बढ़ने से पहले ये हमारा सब्सक्राइब बटन है, आप इस पे क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ऐसी ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी, मैं नहीं चाहता आप लोग उसे मिस आउट करें। तो आज हम ये देखेंगे कि इस टाइम पे, यानी एज ऑफ नाउ, एज ऑफ जून, जुलाई, अगस्त, एक टिपिकल डे किस तरीके से जाना चाहिए यूपीएससी एस्पिरेंट का, क्या वो टॉपिक्स हैं, क्या वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए। रीजन बीइंग, बाद में शायद उन टॉपिक्स पे, उन सब्जेक्ट पे ध्यान ना दिया जाए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको मैंडेटरली आपको अपने डेली रूटीन में डालना है। चलिए कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हालांकि ये बहुत लंबी वीडियो होगी, लेकिन उस वीडियो को हम छोटे छोटे हिस्सों में कवर करते रहेंगे। इस फेज के पहले कुछ स्टेप्स चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, एज ऑफ नाउ अगर हम अपनी तैयारी को देखें, सबसे पहले हम देखेंगे एक वीक को। वीक में होते हैं 7 दिन, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सैटरडे का सेकंड हाफ और संडे पूरा, ये आपको मैं शुरू में ही बता देना चाहता हूँ, कीप इट स्ट्रिक्टली फॉर रिविजन। आपको 1.5 दिन हफ्ते में रिविजन के लिए देना पड़ेगा। आप पूरे हफ्ते कुछ भी पढ़ें, आप करंट अफेयर्स पढ़ें, आपको लगेगा उस टाइम पे कि आपने थोरोली रिवाइज कर लिया है, थोरोली आपने नोट्स भी बना लिए हैं, लेकिन अगर रिविजन नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी, 3 महीने के बाद ये नोट्स जो भी आपने बनाए हैं या फिर स्टैटिक की कोई भी अंडरस्टैंडिंग आपने ली है, वो एकदम फिजूल हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, क्योंकि आपको रिवाइज नहीं करेंगे, और जब रिविजन नहीं होगा वो चीज आपके जहन में नहीं होगी। यूपीएससी सिर्फ एक ही चीज डिमांड करता है, वो है कंसिस्टेंसी एंड रेगुलर रिविजन। जो भी प्लान मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करें, ना करें, आप कुछ भी तरीके से आप अपना पूरा वीक स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन 1.5 से 1 दिन पूरा थोरोली आप रिविजन में डालेंगे, ये पॉइंट आप गांठ मान लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। दूसरी चीज, अगर आप तैयारी में नए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करीब 25 साल के, ये आपको अपने पूरे 12 महीने की तैयारी में बहुत ही सॉलिड तरीके से प्रिपेयर करना ही करना है। अब देखिए, एक साथ तैयारी करने जाएंगे नहीं होगा, आप इसे डिवाइड कर लीजिए। हर महीने थोड़ा थोड़ा आपको प्रिपेयर करके चलना है और मल्टीपल तरीके से इसको रिवाइज करना है। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात होती है, ऐसा नहीं करना क्वेश्चन देखा, सही आंसर देखा, याद कर लिया, नहीं। उसके स्टेटमेंट्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन करी गई हैं, या फिर कोई जगह का नाम है, या फिर कोई थ्योरी का नाम है, कहने का मतलब है स्टेटमेंट में कुछ भी लिखा है वो सही है, वो स्टेटमेंट क्यों सही है, वो गलत है तो वो स्टेटमेंट क्यों गलत है, इसकी बहुत ही थॉरो अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, तब जाके आप कहलाएंगे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। प्रीवियस ईयर्स का कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज नहीं है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सब्सटीट्यूट कर सके किसी भी तरीके से। तो जब आप इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे, 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख चुके होंगे, उनको एनालाइज कर चुके होंगे, आपको समझ आएगा यूपीएससी किसी टॉपिक को उठाती है उसके किस डेप्थ तक जाती है, और उसी तरीके से आपको अपनी तैयारी को मोल्ड करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो समरी ये है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 25 साल के आपको किसी भी तरीके से एग्जाम से 2 महीने पहले तक खत्म करने हैं, मल्टीपल रिविजन के साथ, ये नहीं कि एक बार, इसको मल्टीपल रिविजन के साथ कहना है। इसीलिए वीक के 1.5 दिन या 2 दिन आपको रिविजन में डालने हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के लिए जो बच्चे अक्सर नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन उनको बाद में पढ़ने का मौका नहीं मिलता, वो है एंशियंट, मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर। ये वो टॉपिक्स हैं, अगर आप इसे दिसंबर से पहले नहीं पढ़ेंगे, दिसंबर से पहले पहले नहीं पढ़ेंगे, दिसंबर के बाद इन्हें पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। दिसंबर से पहले आप इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि इन्हें पढ़ने में भी टाइम लगेगा, इनको नोट्स बनाने में भी टाइम लगेगा, ताकि दिसंबर के बाद सिर्फ और सिर्फ आप टेस्ट सीरीज में इनको देखें और इनके मल्टीपल टाइम्स रिविजन कर सकें, तभी इस चीज का फायदा है। वरना इन तीनों सब्जेक्ट्स में आप टाइम भी इन्वेस्ट कर देंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो वो टाइम जो आपने इसको पढ़ने में इन्वेस्ट करा है, वो टाइम एकदम जीरो हो जाएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई आउटकम नहीं निकलेगा। अच्छा, इसको पढ़ने के लिए मैं आपको एक टिप देता हूँ, 6th क्लास की एनसीईआरटी, 7th क्लास की एनसीईआरटी और 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी, यूट्यूब पे प्रतीक नायक सर हैं, पूरी प्लेलिस्ट है इन टॉपिक्स के ऊपर, आप उनको जरूर देखिए, उसमें से नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद एनसीईआरटीज वहां से कवर करिए, आपकी जर्नी काफी आसान हो जाएगी इन वीडियोस लेक्चर, प्रतीक नायक सर के वीडियोस देखने के बाद। देखिए, जून जो अभी चल रहा है, जुलाई और अगस्त, इन 3 महीने की बात करी जाए, दिन का सबसे ज्यादा समय आपका जाना चाहिए आपके ऑप्शनल के ऊपर, आप अपने ऑप्शनल को सबसे ज्यादा समय दें इसमें, और एक पेपर 4 जो कि एथिक्स का पेपर है, कम्प्लीटली नेग्लेक्टेड है, लेकिन इसको पढ़ना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ भी आप पढ़ते हैं उसमें GS1, GS2, GS3 और SA का ओवरलैपिंग होता है, लेकिन एथिक्स का कोई भी कॉम्पोनेंट आप इन सब चीजों में नहीं पढ़ते।
तो एथिक्स भी आप अभी कवर करिए। कंपैरेटिवली आप कभी भी किसी टॉपर के या सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स देखेंगे, एथिक्स में सबसे ज्यादा वो स्कोर करता है। तो जितना समय आप एथिक्स में देंगे वो फ्रूटफुल ही होगा। आप अपने नोट्स पहले से ही प्रिपेयर करके रखें, सफिशिएंट टाइम है दिसंबर तक। तो इन 3 महीने की अगर बात की जाए, ऑप्शनल और एथिक्स को सबसे ज्यादा समय देना है। अगर आपको वीक किस तरीके से डिवाइड करना है नहीं समझ आ रहा, आप अपने डे को डिवाइड करिए। सुबह उठ के पूरे दिन में क्या करना है एक पेपर पर लिखिए, लिमिटेड टारगेट्स बनाइए और रात को सोने से पहले एंश्योर करिए कि वो टारगेट्स पूरे हों। आपने डिसाइड करा है मेजर समय आपको अपने ऑप्शनल को और एथिक्स को देना है, मान लीजिए इन दोनों को मिला के आपने 6 घंटे दे दिए, तो ये 6 घंटे क्वालिटी के होने चाहिए। और ये 6 घंटे पूरे करने के बाद आप अपने उस पेपर में टिक मार्क लगाइए और देखिए 1 महीने के बाद कितने डेज आपने ये अपने टारगेट्स अचीव करे हैं। अब क्योंकि जून आधा निकल चुका है तो अगस्त के बाद 1 महीना और ले सकते हैं, सितंबर भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इन 4 महीने में आप अपने एथिक्स और ऑप्शनल पे बहुत अच्छी पकड़ बनाइए, ताकि सितंबर के बाद जो 3 महीने बचे दिसंबर तक, यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीनों में आप अपने एथिक्स और ऑप्शनल का मल्टीपल रिविजन कर सकें, क्योंकि दिसंबर के बाद आपको थॉरोली प्रीलिम्स के ऊपर लगना पड़ेगा। वही बात करें GS1, GS2, GS3 आंसर राइटिंग की, वीक में कोई भी 2 दिन आप 2-2 आंसर्स लिख सकते हैं GS1, GS2, GS3 की। कोई भी आप स्टैटिक टॉपिक कवर कर रहे हैं उसी स्टैटिक टॉपिक से लिंक करके आप एक मेंस का रफ आंसर लिख सकते हैं। हो सके तो इसको ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू मैच कराइए, पिछले साल के जो टॉपर्स हैं उनकी आंसर शीट देखिए, काफी वीडियोज हैं यूट्यूब पे क्वालिटी आंसर किस तरीके से लिखा जाता है और उसको किस तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है, उसके बेसिस पे आप ये चेक करिए। समय की सीमा मत बांधिए अभी, क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आप 7.5 से 8 मिनट में नहीं लिख पाएंगे। आप अच्छे से रिसर्च करिए, रिसर्च करने के बाद ब्लैंक पेपर में दोनों तरफ मार्जिन लिखने के बाद बीच में इन आंसर्स को लिखिए और अच्छे से इवैल्यूएट करिए। अब रही बात डेली करंट अफेयर्स की, बहुत बच्चे हैं 3 से 4 घंटे तक करंट अफेयर्स के ही नोट्स बनाते रहते हैं, इस चीज को बिल्कुल मत करिए। करंट अफेयर्स अगर आप देखें सिर्फ और सिर्फ साइंस टेक, एनवायरमेंट और ज्योग्राफी, ये वो चीजें हैं जहाँ पे यूपीएससी सबसे ज्यादा फोकस करता है करंट अफेयर्स पे। तो अगर आपको करंट अफेयर्स पे टाइम इन्वेस्ट करना है तो कोशिश करिए 1 से 1.5 घंटा ही आप करंट अफेयर्स में डालें, उसके नोट्स बनाएं, अपने खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाइए और उसको फिर से, जैसे कि वीकेंड में हमने बोला था सैटरडे और संडे रिविजन के लिए रखना है, वो नोट्स रिवाइज नहीं करेंगे तो वो नोट्स सिर्फ धूल खाएंगे, किसी भी कीमत पे आप उनको यूज में नहीं ला सकते एग्जाम के टाइम पे। और जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो कोशिश करिए साइंस टेक के करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट में कोई लेटेस्ट हैपनिंग हुई है उसके करंट अफेयर्स, और ज्योग्राफी में कोई न्यूज में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस आई हैं उसको कवर करें, कोई इंपॉर्टेंट स्टैटिक से रिलेटेड फिनोमेना है जैसे टॉर्नेडो, वोल्केनो, कोई स्टॉर्म, साइक्लोन, ये सब चीजें अगर कोई न्यूज में है तो आप उसे जरूर कवर करें स्टैटिक को ध्यान में रखते हुए। इससे ज्यादा करंट अफेयर में जाने की जरूरत नहीं है एज ऑफ नाउ। तो अगर अभी से लेके अगले 4 महीने की बात करी जाए, दिन का मेजर हिस्सा 5 से 6 घंटे जाने चाहिए आपके ऑप्शनल प्लस एथिक्स में, 1 से 1.5 घंटा जाने चाहिए करंट अफेयर्स में नॉन नोट्स मेकिंग में, साथ में स्टैटिक का कोई एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में से, ऑल्टरनेट डेज पे स्टडी कर सकते हैं एंशिएंट मेडिवल आर्ट कल्चर को, ठीक है। इस तरीके से आप अपना पूरा दिन डिवाइस कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वीक के एंड में सैटरडे और संडे स्ट्रिक्टली रखिए रिवीजन के लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहता हूँ, अपने आप को आइसोलेट मत रखिए, ऐसा मत सोचिए कि आप कोने में चले जाएंगे कमरा बंद करके पढ़ाई करेंगे, आप मिलिए अपने दोस्तों से, मिलिए घर वालों से, बात करिए, जरूरत पड़ने पे कोई टीवी देखना है, सीरीज देखनी है वो भी देखिए, साथ में दिन में आधा घंटा करीब 30 से 45 मिनट्स अपने शरीर को भी दीजिए, व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, अगर नहीं समझ आ रहा तो सिंपल आप वॉक करिए। और उस टाइम पे फोन को एकदम दूर रखिए, फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, बार बार बोलूंगा यूपीएससी इज वेरी रूथलेस, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा यूपीएससी को आपने पूरे साल क्या करा, अगर जो यूपीएससी का डिफाइंड फॉर्मेट है जिसमें रिवीजन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट की है वो आपने फॉलो नहीं करी तो यूपीएससी में आप इतनी बुरी तरीके से फेल होंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, बट फिर भी वो चीज अवॉइड नहीं की जा सकती। लेकिन हमारा काम है नेगेटिव थॉट्स को दूर रखना, पॉजिटिविटी की तरफ से आगे बढ़ेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। टॉपर्स की वीडियो देखिए जरूर, हर टॉपर अलग होता है, ठीक है, कोई 2 टॉपर्स की स्ट्रैटेजी भी सेम नहीं मिलेगी आपको। सारे स्ट्रैटेजी देखने के बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। ओवरऑल एक दिन किस तरीके से डिवाइड होना चाहिए वो मैंने आपको यहाँ बताया है। उस दिन में आप सुबह क्या पढ़ेंगे, रात को क्या पढ़ेंगे, वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। कोई इंसान होता है रात में पढ़ता है, कोई इंसान होता है सुबह, उसका दिमाग बहुत एक्टिव होता है। ओवरऑल मैक्रो लेवल पर देखें, जो एक चीज कॉमन रहेगी सबके लिए वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, वीकेंड रखने हैं रिवीजन के लिए, करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं देना है। जो 3 सब्जेक्ट मैंने लिखे थे साइंस टेक, एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी, इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के रेगुलरली नोट्स बनाइए, 1 से 1.5 घंटा कर रखिए उसको, और वीकेंड पे उसे भी रिवाइज करिए। ऑल्टरनेट डेज में आप अपने स्टैटिक और एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर को पढ़िए,
नोट्स बनाइए और प्रतीक नायर सर के वीडियो जरूर देखिए। और अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट नहीं रखना है, एकदम शांत दिमाग रखना है। शांत दिमाग रखेंगे तो ही इस पेपर को आसानी से निकालेंगे। एक हसीन जर्नी होनी चाहिए यूपीएससी की आपके लिए, तनाव भरी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और साथ में सीसेट भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने इस लेक्चर में नहीं बताई। मे बी नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में सीसेट की भी हम बात जरूर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज की डेट में। वैसे इस बार जो वीडियो टेस्ट सीरीज हम लोग लेके आएंगे उसके अंदर एनवायरनमेंट इकोनॉमी के साथ साथ सीसेट का पूरा कोर्स होगा और करीब 8-10 टेस्ट सीरीज होंगी वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ये सारी चीज हम लोग कवर करेंगे आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि एक बेसिक डाउट्स जो काफी बच्चे पूछ रहे थे उसको रिजॉल्व किया जाए सिस्टमैटिक तरीके से। परेशान नहीं होना है, तैयारी में लग जाइए, फालतू का टाइम वेस्ट करना बंद करिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपनी क्वेरी कमेंट में डालिए, कोशिश करेंगे जल्द से जल्दी उसका निवारण किया जाए। और सब्सक्राइब कर लीजिए यार चैनल को। चलिए, काफी बड़ा ज्ञान हो गया, ज्यादा ज्ञान बच्चों को पसंद नहीं आता। ठीक है, फिर लेक्चर कंक्लूड करते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड।